अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पैनल्स के रेट्स अब तक की कमतरीन सतह पर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में नए रेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले शेयर करेंगे लॉन्गजी सोलर पैनल्स के रेट्स, इसके बाद जेए, इसके बाद जिनको, फिर कैनेडियन, और इसके बाद जो लोकल ब्रांड्स के सोलर पैनल्स हैं उनके रेट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो एंड तक देखिएगा। अपने यहाँ पर जो आपके रेट्स चल रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी ही कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं सोलर पैनल्स के नए रेट्स की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आते हैं लॉन्गजी सोलर पैनल्स, जिनमें लॉन्गजी हाइमो 6 565 वाट का सोलर पैनल आपको 27 रुपये पर वाट तक मिल जाएगा, और अगर 585 की बात की जाए तो वो भी आपको 27 रुपये पर वाट तक मिल जाएगा, जिसकी एक सोलर प्लेट आपको 15,800 रुपये में मिल जाएगी। इसके बाद आता है लॉन्गजी हाइमो 7, जो कि 580 वाट का सोलर पैनल है, ये आपको 29 रुपये वाट तक मिल जाएगा, जिसकी एक सोलर प्लेट 16,800 रुपये में आपको मिल जाएगी। इसके बाद आता है लॉन्गजी हाइमो 7 600 वाट का सोलर पैनल, जो कि ए ग्रेड क्वालिटी का सोलर पैनल है, 29 रुपये पर वाट इसका रेट चल रहा है, और ये एक सोलर पैनल आपको 17,400 रुपये में मिल जाएगा। इसके बाद आता है लॉन्गजी हाइमो 5 560 वाट, उसका रेट चल रहा है 27 रुपये पर वाट, जिसका एक सोलर पैनल आपको 15,000 रुपये में मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट में आता है लॉन्गजी हाइमो 5, लेकिन वो 535 वाट या फिर 540 वाट की कैटेगरी में हो सकता है, डबल गिलास बायफिशियल, तो उसका रेट चल रहा है 27 रुपये पर वाट, जिसकी एक सोलर प्लेट आपको 15,000 रुपये में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं जेए सोलर पैनल्स की। तो जेए ब्रांड में जेए एन टाइप बायोफिशियल 580 वाट का सोलर पैनल 27 रुपये पर वाट तक चल रहा है, जिसकी एक सोलर प्लेट आपको 15,660 रुपये में मिल जाएगी। इसके बाद आता है जेसो 550 वाट सिंगल ग्लास ए ग्रेड सोलर पैनल, जो कि 26 रुपये पर वाट चल रहा है, जिसकी एक सोलर प्लेट आपको 14,300 रुपये में मिल जाएगी। इसके बाद आता है जेए 565 वाट सिंगल ग्लास टीयर 1 सोलर पैनल, जो कि आपको 26 रुपये पर वाट तक मिल जाएगा, जिसकी एक सोलर प्लेट आपको 14,700 रुपये में मिल जाएगी। इसके बाद आता है जेए कंपनी का 540 वाट बायोफिशियल डबल ग्लास टीयर 1 सोलर पैनल, जो कि ए ग्रेड क्वालिटी का है, ये आपको 26 रुपये पर वाट तक मिल जाएगा, जिसकी एक सोलर प्लेट आपको 14,000 रुपये में मिल जाएगी। अब आते हैं कैनेडियन सोलर पैनल्स पर। तो जी, कैनेडियन टॉपकॉन सोलर पैनल्स 575 वाट का जो सोलर पैनल है वो आपको 28 रुपये पर वाट तक मिल जाएगा, जिसकी एक सोलर प्लेट आपको 16,000 रुपये में मिल जाएगी। इसके बाद आता है कैनेडियन कंपनी में 650 वाट का सोलर पैनल, जो कि आपको 27 रुपये पर वाट तक मिल जाएगा, जिसकी एक सोलर प्लेट आपको 17,500 रुपये में मिल जाएगी। इसके बाद आता है कैनेडियन 555 वाट का सोलर पैनल टीयर 1 सिंगल ग्लास, जो कि 27 रुपये पर वाट तक चल रहा है, जिसकी एक सोलर प्लेट आपको 15,000 रुपये में मिल जाएगी। इसके बाद आता है कैनेडियन 545 वाट सिंगल ग्लास ए ग्रेड सोलर पैनल, जो कि 27 रुपये पर वाट तक मिल जाएगा, जिसकी एक सोलर प्लेट आपको 14,500 रुपये में मिल जाएगी। इसके बाद आता है कैनेडियन 550 वाट सिंगल ग्लास ए ग्रेड सोलर पैनल, जो कि 27 रुपये पर वाट तक चल रहा है, जिसकी एक सोलर प्लेट आपको 14,800 रुपये में मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम आते हैं जिनको सोलर पैनल्स की तरफ। तो जिनको कंपनी में जिनको एन टाइप 585 वाट का सोलर पैनल आपको 27 रुपये 50 पैसे पर वाट तक मिल जाएगा, जिसकी एक सोलर प्लेट 16,000 रुपये की मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं जिनको एन टाइप बायोफिशियल डबल ग्लास 585 वाट के सोलर पैनल पर, जो कि आपको 28 रुपये पर वाट तक मिल जाएगा, जिसकी एक सोलर प्लेट आपको 16,380 रुपये में मिल जाएगी। इसके बाद आता है जिनको एन टाइप ए ग्रेड टीयर 1 सोलर पैनल, जो कि 555 वाट की कैटेगरी में है, ये आपको 26 रुपये पर वाट तक मिल जाएगा, जिसकी एक सोलर प्लेट आपको 14,400 रुपये में मिल जाएगी। इसके बाद आता है जिनको पी टाइप ए ग्रेड क्वालिटी में टीयर 1 सोलर पैनल 560 वाट, जो कि 26 रुपये 50 पैसे पर वाट तक चल रहा है, जिसकी एक सोलर प्लेट आपको 14,800 रुपये में मिल जाएगी। एट द लास्ट आता है जिनको पी टाइप डबल ग्लास सोलर पैनल बायोफिशियल सोलर पैनल है, 540 वाट का सोलर पैनल है, ये आपको 26 रुपये पर वाट तक मिल जाएगा, जिसकी एक सोलर प्लेट आपको 14,000 रुपये में मिल जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको लास्ट में लोकल ब्रांड्स के सोलर पैनल्स के रेट बताऊंगा। तो ट्रीना सोलर पैनल्स में ए ग्रेड 550 वाट का सोलर पैनल आपको 25 रुपये पर वाट तक मिल जाएगा, जिसकी एक सोलर प्लेट आपको 13,750 रुपये में मिल जाएगी। इसके बाद आता है ऑस्ट्रा एनर्जी टीयर 1 ए ग्रेड सोलर पैनल, जो कि 550 वाट का सोलर पैनल है, वो आपको 24 रुपये पर वाट तक मिल जाएगा, जिसकी एक सोलर प्लेट आपको 13,200 रुपये में मिल जाएगी। इसके बाद आता है जियन शाइन कंपनी का 545 वाट का सोलर पैनल,
जो कि सिंगल ग्लास सोलर पैनल है, ए ग्रेड सोलर पैनल है, वो आपको 23 रुपये पर वाट तक मिल जाएगा, जिसकी एक सोलर प्लेट आपको 12,500 रुपये में मिल जाएगी। मैसन कंपनी में 550 वाट का ए ग्रेड सोलर पैनल जो कि 25 रुपये पर वाट तक चल रहा है, जिसकी एक सोलर प्लेट आपको 13,750 रुपये में मिल जाएगी। रीना 575 वाट एंड टाइप बायफिशियल ए ग्रेड सोलर पैनल की बात की जाए तो वो 25 रुपये पर वाट तक मिल जाएगा, जिसकी एक सोलर प्लेट आपको 14,300 रुपये में मिल जाएगी। दोस्तों आखिर में आता है हुआसन कंपनी का 720 वाट का सोलर पैनल जो कि 22 रुपये पर वाट तक चल रहा है, जिसकी एक सोलर प्लेट आपको 15,800 रुपये में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थे आज के सोलर पैनल्स के रेट्स। दोस्तों कई जगहों पर ये बातें चल रही हैं कि फ्यूचर में सोलर पैनल्स के रेट 15 रुपये पर वाट तक आने वाले हैं, तो दोस्तों हो सकता है ऐसा हो भी या फिर हो सकता है ऐसा ना भी हो। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि सोलर पैनल्स अब तक की कम तरीन सतह पर आ चुके हैं, तो ऐसे में अभी आपको सोलर पैनल्स परचेज कर लेने चाहिए। अगर इत्तफाकन सोलर पैनल्स के रेट्स इससे ज़्यादा नहीं गिरते और फ्यूचर में सीज़न आने से पहले सोलर पैनल्स के रेट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में आपके लिए सोलर पैनल्स ख़रीदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में मेरी राय के मुताबिक अब आपको सोलर पैनल्स खरीदने में देरी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है सोलर पैनल्स आगे चल के और भी ज्यादा महंगे हो जाएं। उसकी वजह यह कि इंपोर्टर्स ने सोलर पैनल्स मंगवाना बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा स्टॉक हो चुका है जो रेट्स कम करने के बाद भी सेल नहीं हो रहा, तो ऐसे में उन्होंने सोलर पैनल्स मंगवाना बंद कर दिए हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है फ्यूचर में सोलर पैनल्स महंगे होने की। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बेहतरीन मौका हो सकता है आपके लिए सोलर पैनल्स परचेज करने का। और दोस्तों साथ ही अगर सोलर इन्वर्टर्स की बात की जाए तो उनके रेट्स में भी फ्यूचर में कमी होने का बड़ा अंदेशा है। इस वक्त आप बैटरीज के रेट्स देख ही रहे हैं कि चाहे लिथियम बैटरी हो या लेड एसिड तेजाब वाली बैटरी हो, इन बैटरीज के रेट्स में भी बहुत ही ज़्यादा कमी आना शुरू हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा बैटरीज जो हैं वो सस्ती होना शुरू हो चुकी हैं, तो हो सकता है सोलर इन्वर्टर्स भी इसी तरीके से मुस्तकबिल में सस्ते होना शुरू हो जाएं। तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना है कि जैसे ही सोलर इन्वर्टर्स सस्ते हो जाएं तो आपको 2025 के लिए सोलर सिस्टम परचेज कर लेना चाहिए, यानी ख़रीद लेना चाहिए, उसकी तैयारी कर लेनी है आपने, क्योंकि इस साल आपने देखा कि किस तरीके से वापडा के बिलों की वजह से लोग कितने परेशान रहे। तो ऐसे में आपको सोलर पैनल्स पर ही आना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए थे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप मुस्तकबिल में भी देख पाएँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।